और भाइयों, क्या हाल है आपके? भाइयों, आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स। सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स करने के लिए आपको कोई भी परमिट की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है। बस मलेशिया में आपने आना है और आपने एजेंट से रابطہ करना है। तो आपने एजेंट से जाके मिलना है, ठीक है? तो उसके साथ मिलकर आपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लग जानी है। जैसे कनाडा में आप देखते हो, कनाडा में जाके आप को पहले लाइसेंस बनवाना पड़ता है, फिर जाके आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलती है। पर ऐसा नहीं है, आपने मलेशिया में आना है और एजेंट से रابطہ करना है और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब की सैलरी की बात करें तो अगर आप इनलीगल हो तो आपको इतनी कम सैलरी मिलेगी, इतनी कम सैलरी मिलेगी ना कि आप सोचोगे कि इससे अच्छा तो मैं इंडिया ही ठीक था। चलो कोई बात नहीं, पर अगर देखा जाए तो इनलीगल को 1200 रुपये तनख्वाह मिलती है और इंडिया को अगर इनलीगल हो तो 1200 तनख्वाह मिलेगी। अगर आप लीगल हो, वैसे तो पंजाबियों को ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देते नहीं है, अगर ये देते हैं तो सैलरी कम देते हैं। अगर आप नेपाली हो तो आपको कम से कम 2000 रुपये तनख्वाह देंगे, ठीक है? अगर अगर आप इनलीगल हो, अगर आप पंजाबी हो तो आपको ये कम से कम 1200 रुपये तनख्वाह देंगे। इंडिया का आपका लगा लो 17000 रुपये बनता है, जो बहुत ही कम है। पर मजबूरी में कुछ भी करवा सकते हैं इंसान से, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है इंसान को। पर हार नहीं माननी, काम करना है, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमने यहाँ पे मलेशिया में आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं, तो कोई ना कोई काम मिले तो उसको जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे उस काम को तो कोई और दूसरा काम के लिए उसको ले लेगा, ठीक है? अब ऐसे तो आपने सुना ही होगा कि अगर हम कोई काम आपको आपको लगता है, कोई काम अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो अगर आपने उस काम में ना लगे तो आपकी जगह कोई और बंदा वहाँ पे लग जाएगा। तो भाइयों, जो आपको काम मिलता है मलेशिया में करो, ठीक है, अपना मजबूरी का टाइम निकालो, उसके बाद अपना एक टारगेट रख लो कि भाई मैंने इतना एक पैसा कमाना है, उसके बाद मैंने घर चले जाना है, क्योंकि मलेशिया में रहने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। ये आपको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अगर आपने करनी है तो आपको कोई भी परमिट की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज़ की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे आके एजेंट से मिलना है और अपना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लग जानी है। तो मेरे भाइयों, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगनी है तो आओ मलेशिया में। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करनी, कोई और काम करना है तो भी आप लग सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी मलेशिया अगर आपको अच्छा लगता है तो आओ, नहीं लगता तो ना आओ, इतना भी खास नहीं है। तो मेरी तरफ से तो बस यही था, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो तो इतनी सैलरी मिलेगी आपको। बाकी आप ले देख लो, डिसाइड कर लो मलेशिया में आना है कि नहीं आना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।